जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 9 जून 2019 दिन रविवार ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि मध्य रात्रि 2:55 तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 5:21 से लेकर 7:02 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पढ़ाई में असफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना या सरकारी कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है, आप पर कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा है या आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है या विवाह तो हो गया है परंतु गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है या आपके बच्चों का स्वास्थ्य या आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य या आपका खुद का स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपको अपनी सभी समस्याओं में फायदा महसूस होगा। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देवता सरकारी जॉब दिलाने में मददगार साबित होते हैं और आज मैं आप सभी को जो कि सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से आप सूर्य देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जल्द एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आप समाज में सुधार के लिए ऐसे काम करेंगे जिससे समाज का भला होगा और आपको सबकी प्रशंसा का पात्र बना देगा जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। विशेष तौर पर आज सरकारी कर्मचारियों के लिए शुभ दिन है क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके द्वारा किए गए प्रयास आज रंग लाएंगे और आज उन्हें अपने डिपार्टमेंट में कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है जिससे उनके घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अपना व्यवसाय करने वाले लोगों को आज अपनी सोच पर लगाम नहीं लगाना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को खुली छूट देनी चाहिए। इससे आपके मन में अपने बिजनेस के विस्तार के लिए नई योजनाएं बनेंगी जिनसे आपके बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। बस ध्यान रहे कि ये योजनाएं केवल आपके दिमाग या कागज पर सीमित ना रहे, इन पर अमल भी करना है और इनकी इंप्लीमेंटेशन की दिशा में आपको कदम भी उठाने हैं। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। आज यदि आप गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर उसे पीतल के बर्तन में डालकर घर में रखते हैं तो यह आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके व्यवहार के कारण आपके सगे संबंधियों को दुख पहुंच सकता है। आज आपके मामा जी का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आज आपको जरूरत है कि आप अपने विचारों को दृढ़ करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। आपके मन में विचार तो बहुत आते हैं परंतु उन पर आप अमल नहीं करते हैं या उस दिशा में आप कोई भी कदम नहीं उठाते हैं
और वे विचार केवल पेपर पर या केवल आपके दिमाग में ही रह जाते हैं। आज आपको संकल्प लेना है कि आप कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आज आपको किसी भी हालत में घर का सोना नहीं बेचना है, अन्यथा आप कंगाल हो जाएंगे। आज लव लाइफ के मामले में आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा और आप दोनों के संबंधों में मजबूती आएगी। आज जरूरत से ज्यादा माल स्टॉक करने की वजह से आपको अपने स्टॉक का एक्सपायर हो जाने का खतरा सताएगा और आपको अपना सामान सस्ते में भी बेचना पड़ सकता है। आज आप काला कपड़ा धारण करने से परहेज करें। आज आप यदि बाहर जाएं तो टोपी अवश्य पहने। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप सावधान रहें और जोश में होश खोकर कोई गलत कदम ना उठाएं। आज छात्र अपने आप को अत्यंत जोशीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज पढ़ाई में सफलता से उनके माता पिता को उन पर गर्व होगा। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका कोई टेस्ट है तो उसमें भी आज आप बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। आज आप अपने पड़ोसियों से सावधान रहें, वे आज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आज उनकी नजर भी लग सकती है। यदि आपके पिताजी व्यापारी हैं तो उनके व्यापार की उन्नति होगी और वे खूब धन कमाएंगे। यदि पिछले कई दिनों से आप पेट संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे तो आज आपको उसमें राहत मिलेगी। आज तांबे की वस्तु दान करना आपके लिए लाभदायक होगा। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आज आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है और आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न्स मिलेंगे। आज आप भ्रमित होने के कारण कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि ठंडे दिमाग से काम लें। ऐसे व्यक्तियों को मैं मेडिटेशन करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आज आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आज आपको हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज आप किसी भी कार्य की शुरुआत से पूर्व मीठा खाएं और पानी पीकर ही उस कार्य को आरंभ करें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आप यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं तो आपको उसकी दुआएं प्राप्त होंगी और भगवान आपका घर खुशियों से भर देंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपको अपनी बुआ के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप टीचिंग के सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज आपको अपने प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है और जो लोग टीचिंग लाइन में जॉब तलाश कर रहे हैं उनको आज शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आपके पास पैसा स्पेयर पड़ा है तो आज आप इसे इन्वेस्ट करने के ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो यह पैसा आपको प्रॉपर्टी खरीदने में लगाना चाहिए, इससे आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज आपको अपने खर्चों पर भी काबू रखने की जरूरत है। आज आपको अपने जुबान पर भी काबू रखना है, अन्यथा आप अपने घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आज दूध और दही दान ना करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी मुलाकात किसी बड़े राजनेता से हो सकती है और उनसे अच्छे संबंध बनाने से आगे चलकर आपको फायदा भी मिल सकता है। यदि आज आप आग या गर्म वस्तु से कोई काम कर रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतें, आज आपके जल जाने का खतरा बना हुआ है। आज आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव होने के कारण आज आप तनाव की स्थिति में रहेंगे, इसलिए आज आपको जरूरत है कि नोकझोंक होने के कोई भी अवसर आप उत्पन्न ना होने दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हर छोटी बात पर आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है और आए दिन इन झगड़ों के कारण आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी सताएगी। शारीरिक कष्ट के कारण आज आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाएगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपके मन में दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और जो भी आपसे मदद मांगेगा उसे आप खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। आपके इसी स्वभाव के कारण आज समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को आज मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर और प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स भी आज मन लगाकर पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके माता पिता को उन पर नाज होगा। यदि आप जर्नलिज्म या कविता पाठन से संबंधित कार्य करते हैं तो आज आपकी भागदौड़ अधिक होगी और दिन के अंत में काम की थकान के कारण आपका मन किसी भी और कार्य में नहीं लगेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके कोई भी राशि का जातक बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। आज आपको प्रातः काल उठकर सूर्य देवता की उपासना करनी है। उनकी पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का एक माला जप करना है, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। जब आप एक माला का जप कर लें तो उसके पश्चात आप सूर्य देवता को मीठा जल अर्पित करें। आप जल में गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जल्द ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी और वे मन लगाकर अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे। आज उनका जोश और उत्साह 7वें आसमान पर होगा और अपनी मेहनत और एकाग्रता से वे आज हर सवाल को हल कर लेंगे। यदि आज स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं और इस दिशा में आज वे कोई भी कदम उठाते हैं तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा और उनको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो लोग खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है और आज उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज आपका मित्रों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। आज सिंगर्स और म्यूजिशियंस के लिए अच्छा दिन है। आज अपनी परफॉर्मेंस से आप अपने ऑडियंस का दिल जीत लेंगे जिससे आपको भी खुद पर गर्व होगा। आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे के बर्तन दान करें। आज आपको अपनी क्षमता के अनुसार लंगर की व्यवस्था करनी चाहिए पर उसमें रोटी अवश्य बांटें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज सीमित साधन भी आपके आत्मबल को कमजोर नहीं कर पाएंगे और आप अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, परंतु आज आपका क्रोध भी चरम सीमा पर पहुंच सकता है जिस कारण आपका अपने परिवार के साथ झगड़ा भी हो सकता है। आज आपके पिताजी को भी अपने बिजनेस में भारी लॉस हो सकता है। आज आपको अपने नाना जी के घर से भी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अपने इंटरव्यू में अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी अपने करियर में जॉब प्रमोशन ट्रांसफर इत्यादि से संबंधित किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। आज आप अपने माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक भी स्टार नहीं दूंगा। आइए आप जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी वजह से आपके पिताजी का भाग्य चमक उठेगा और यदि उनका स्वयं का व्यवसाय है तो आज उन्हें धन लाभ होगा। आज आपके मित्र के कारण आपके सामने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें अपने मित्र का साथ देने से आप दोनों को फायदा होगा। आज आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी और आपसी प्रेम और विश्वास में इजाफा होगा। यदि आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो आज दोपहर को मंदिर में कंबल दान करने से आपके बच्चों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा। आज सरकारी कर्मचारियों को उनके ट्रांसफर की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। रिपेयर शॉप्स में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन खास है। आज आम दिनों के मुकाबले ज्यादा कस्टमर्स मिलने से आपकी आय बढ़ेगी। आज कच्चा दूध दान करें। आज माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4/4 देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आप मानसिक शांति की अनुभूति करेंगे और अपनी धन धान्य और सुखों से पूर्ण जिंदगी के लिए आज आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह विचार उत्तम है और आज तीर्थ यात्रा करने से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज आपकी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आपके आध्यात्मिक गुरु आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, इसलिए आज आपको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। स्टूडेंट्स को आज जरूरत है कि यदि उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वे अपने अध्यापकों के पास जाकर अपने डाउट्स को क्लियर करें। यदि अपनी हिचक दूर करके वे अपने अध्यापकों के पास जाकर सवाल पूछते हैं तो इससे उनके अध्यापक उनसे प्रसन्न होंगे। आज आपको अंडा मीट मुर्गा शराब इत्यादि का सेवन करने से परहेज करना है। आज शाम के वक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कच्चा दूध दान करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4/4 देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आपकी अपनी केमिस्ट शॉप है तो आज आपकी सेल्स में तेजी आने से आपकी इनकम बढ़ेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को भी आज आम दिनों के मुकाबले ज्यादा पेशेंट्स मिलने आएंगे, परंतु लोहे की मशीनरी से संबंधित व्यापार करने वाले व्यक्तियों को आज नुकसान हो सकता है। आज आप अपने ससुराल पक्ष से कोई भी गिफ्ट ना लें। आज छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और डिस्ट्रैक्शन के कारण आज उनकी पढ़ाई में बाधाएं आएंगी। आपके विचारों की अस्थिरता के कारण आज आप अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य आए दिन खराब हो जाता है और बीमारियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके बच्चे सदा स्वस्थ रहेंगे। आज आपको शराब और मांस के सेवन से भी परहेज करना है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3/4 देता हूं। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें